தந்தேனும் நின் மந்தேகத் நீனா சென்னல் சாவுல் வல்தே முன்னில் வல்தே ஹக் நீனா சென்னல் சாவுல் ஹக் ஷேரித்தலேரா வல்லி ஹக் நீனா சென்னல் சாவுல் ஹக் வல்தே முன்னில் வல்தே ஹக் நீனா சென்னல் சாவுல் ஹக் ஷேரித்தலேரா வல்லி ஹக் நீனா சென்னல் சாவுல் ஹக் நீனா சென்னல் சாவுல் ஹக் ये एक सर्द शाम थी जब सदर मोहम्मद ज़िया उल हक शहीद एक अहम मुलाकात के लिए वाशिंगटन डीसी के सफ़ेद महल वाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। सदर जिमी कार्टर के साथ ये मुलाकात आलमी सियासत का अहम मोड़ साबित हो सकती थी। अमरीकी दारुल हुकूमत में बुलंद व बाला इमारतें, शानदार लाइट्स और सरसब्ज मैदानों के बीच वाइट हाउस एक ताकत की अलामत बना हुआ था, जहाँ दुनिया के अहम तरीन फैसले किए जाते थे। वाइट हाउस के बड़े और शानदार हाल में सदर जिमी कार्टर अपने मखसूस जनूबी अमरीकी अंदाज में जनरल ज़िया का इंतजार कर रहे थे। कार्टर, जो मूंगफली की काश्तकारी से शुरू होकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सदर बने थे, इस मुलाकात में पाकिस्तान को अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मदद देने की पेशकश के साथ पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। सदर ज़िया अल हक बावकार, पुरस्कून और संजीदा अंदाज में हाल में दाखिल हुए। उनके हर कदम से एक ठहरा हुआ एतमाद आया था। हाथ मिलाते हुए जिमी कार्टर ने बातचीत का आगाज किया। जनरल साहब, हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आपकी हिकमत अमली और कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका आपके साथ खड़ा है, कार्टर ने रस्मी मुस्कुराहट के साथ कहा। सदर ज़िया खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो कार्टर की हर बात का वजन नाप रहे हों। कार्टर ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक संजीदा अंदाज में कहा, हम आपको $400 मिलियन की इमदाद देने का फैसला कर चुके हैं, ताकि आप अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सकें। ये रकम आपके मुल्क की जरूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित होगी। चंद लम्हे के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सदर ज़िया ने कार्टर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उन्हें किसी बड़ी हकीकत का इदराक हो चुका हो। मिस्टर कार्टर, जनरल ज़िया ने निहायत महज़ब अंदाज में कहा, हम आपकी पेशकश की कदर करते हैं, लेकिन आपकी यह इमदाद हमारे लिए कुछ नहीं, ये तो महज मूंग फली के बराबर है। यह जुमला कमरे में गूंजा और कार्टर के चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हो गए। उन्हें अंदाजा न था कि उनकी पेशकश को यूं मुस्तरद किया जाएगा, और वो भी इस अंदाज में जिसमें एक गहरा तंज छुपा हुआ था। कार्टर, जो खुद मूंगफली के काश्तकार रह चुके थे, इस जमले की काट को फौरन समझ गए। ये फकत रकम का ठुकराना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे मुल्क का ऐलान था जो अपनी इज्जत और वकार के साथ खड़ा था और किसी भी कीमत पर इसे बेचने को तैयार न था। सदर ज़िया उल हक का ये जवाब न सिर्फ अमरीकी सदर के लिए हैरान कुन था, बल्कि दुनिया भर के लिए एक वाज़ह पैगाम था कि पाकिस्तान की क़यादत किसी माली अमदाद या दबाव में आने वाली नहीं। जनरल ज़िया ने इस एक जुमले में वो सब कुछ कह दिया था जो हजारों अल्फाज नहीं कह सकते।
मेरा चन्ना जाओ।